एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम हमारे अपर लिप्स के जो हेयर है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं विदाउट पेन, वो भी खुद से। हाँ गाइस, देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मेथड है जिससे हम अपर लिप्स के हेयर रिमूव कर सकते हैं। उसमें से जो फर्स्ट है वो है होम रेमेडी। हाँ गाइस, होम रेमेडी करके भी हम हमारे अपर लिप्स के हेयर परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और उस मेथड को 2 से 3 बार हमें फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद वो निकल जाते हैं। सेकेंड जो मेथड है वो है हेयर रिमूवल क्रीम। थर्ड है वो है आप शेविंग कर सकते हो। फोर्थ है जो कि आप वैक्सिंग कर सकते हो। फिफ्थ है थ्रेडिंग। सो गाइज, मैं आपको प्रीफर करूँगी या तो आप होम रेमेडी करो, आपके पास टाइम है तो आप होम रेमेडी कर सकते हो। सेकेंड मैं आपको प्रीफर करूँगी आप तो थ्रेडिंग करो या फिर आप करो वैक्सिंग। मैं आपको शेविंग या फिर हेयर रिमूवल बिल्कुल भी अप्लाई करने को नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ की जो एरिया होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। जब हम शेविंग करते हैं या फिर हेयर रिमूवल क्रीम लगाते हैं तब यहाँ की एरिया ना ब्लैक होने लगती है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। और जो गाइस शेविंग और हेयर रिमूवल क्रीम अप्लाई करते हैं ना इस एरिया पे, वहाँ के बाल 1-2 दिन आपको लगेगा कि आपके यहाँ की एरिया सॉफ्ट है, जब 3रे या 4थे दिन यहाँ के जो बाल होते हैं ना वो हार्ड निकल जाते हैं, यानी कि मूछ टाइप लगते हैं और यहाँ की एरिया भी ब्लैक होने लगती है, तो बहुत ही गंदा लगता है। और वो मेथड मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं तो आपके साथ सजेस्ट करूँगी या तो होम रेमेडी करो या फिर आप थ्रेडिंग करो या फिर आप वैक्सिंग करो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं खुद से ही, अपने अपर लिप्स के हेयर कैसे रिमूव कर सकते हैं, यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और गाइज, हम अगर पार्लर जाते हैं ना तो यहाँ के जो बाल होते हैं ना वो इस तरह से हमारे गर्दन रखते हैं, राइट, इस तरह से हमारे सर रखते हैं, जो ऊपर से वो बाल हमारे खींचते हैं ना तो बहुत ही पेनफुल होता है, जान निकल जाती है सच में, क्योंकि मैंने वो किया है। एंड देन मैंने वही देख के किया कि खुद से भी हम कर सकते हैं, तो मैंने खुद से ट्राई किया तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, एकदम पेनलेस था वो। और मैं वही करती हूँ, मेरे जब अपर लिप्स के बाल रिमूव करने होते हैं तो मैं खुद से अपने अपर लिप्स के बाल रिमूव कर देती हूँ। तो यह आज मैं यही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कैसे अपने अपर लिप्स के हेयर को रिमूव कर सकते हैं, वो भी खुद से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपके पॉन्ड्स पाउडर, देन आपको चाहिए एक थ्रेड, आप कोई सा भी थ्रेड ले सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये पतला होता है और अगर आप बिगिनर हो तो आपको आसानी हो जाएगी। इस थ्रेड को मैं लेके एक सर्कल बनाऊँगी, आप देख सकते हैं मैंने वीडियो में जिस तरह से बनाया है उसी तरह से आपको एक सर्कल बनाना है। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना है, आपको दोनों हाथ में इसे हैंडल करने के लिए मिलना चाहिए। इस तरह से आपको ऐसा का सर्कल बनाना है। देन दोनों पॉइंट को एक साथ लेकर मैं इस तरह से कट कर रही हूँ, यू कैन सी। एंड देन मैं इस दोनों पॉइंट को एक साथ मिलाकर यहाँ पर एक गांठ बांध रही हूँ ट्विस्ट करके, एंड वो गांठ एकदम टाइट होनी चाहिए, निकलनी नहीं चाहिए। और यू कैन सी मैंने इस तरह से ये सर्कल बनाया है, आपको भी इसी तरह से बनाना है। देन आपको क्या करना है, आपको लेनी है पॉन्ड्स पाउडर, आपके पास कोई भी टैल्क पाउडर आप ले सकते हो, और इस टैल्क पाउडर को आपको अपर लिप्स के ऊपर लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो अपर लिप्स एरिया है वो सॉफ्ट बन जाती है, आप जब बाल खींचते हो ना तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। और जो पार्लर में ना इसी मेथड को फॉलो करते हैं जिससे आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। देन इसके बाद आपको इस सर्कल को लेफ्ट हैंड से 8 टाइम घुमाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 टाइम हो गया। देन आपको राइट हैंड से 2 टाइम घुमाना है, 1 एंड 2। आप देख सकते हैं इस तरह से कैची बन जाएगी, यू कैन सी द कैची। और ये बन जाने के बाद आपको आपके लिप्स के ऊपर रखना है, अपर लिप्स के ऊपर। देन आपको जो आपका राइट हैंड है उस हाथ से आपको इस तरह से कट करना है, आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड को होल्ड करके रखना है एंड राइट हैंड से आपको कट करना है अपने अपर लिप्स के हेयर, तो आपके अपर लिप्स के हेयर इजीली निकल जाएंगे। वैसे अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो ना तो आपको 1 महीने तक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट मंथ इस तरह की प्रोसेस फॉलो
करनी पड़ेगी गाइज। और ये जब आप थ्रेडिंग करते हो ना तो आपके अपर लिप्स के हेयर है ना वो डीपली निकल जाते हैं, इसकी वजह से वो धीरे धीरे ग्रोथ होने लगती है इनकी। और जो अपर लिप्स के हेयर है ना एकदम जब निकल आते हैं ना फिर से एक महीने के बाद वो एकदम सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं रखते और बिल्कुल भी मूछ टाइप नहीं लगते हैं। और आपको इस मेथड को महीने में सिर्फ एक बार फॉलो करना है जिससे आप इजीली अपने अपर लिप्स के बाल तो निकाल सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना गाइज ट्रस्ट में आप इजीली अपने अपर लिप्स के हेयर भी निकाल सकते हो, अपने फोरहेड के भी निकाल सकते हो एंड देन आपको आईब्रोज भी करना आ जाएगा। आपको सिर्फ इस मेथड को ट्राई करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एंड यू कैन सी गाइज माय अपर लिप्स हेयर इज रिमूव, पूरे अपर लिप्स के हेयर रिमूव हो गए हैं। थोड़े से मेरे जो राइट साइड के एरिया वहाँ पे रह गए हैं उसे मैं फिर से निकाल लूँगी। और ये मेथड बहुत ही ईजी है, अगर आप ट्राई करते हो ना गाइज आपको ईजिली ये जम जाएगा, ईजिली आपको ये आ जाएगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना बार बार, मतलब आपको 2 से 3 ही बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चौथी बार आपको ये जम जाएगा, आपको आ जाएगा, आप ईजिली अपने अपर लिप्स के हेयर निकाल सकते हो। और गाइज ये बिल्कुल भी पेनलेस है, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। जब आप पार्लर जाते हो ना तो ऊपर की तरफ से खींचते हैं ना तो इसलिए आपको पेन होता है, लेकिन अगर आप खुद से निकालते हो ना तो आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। और गाइज आप अपने अपर लिप्स के जब हेयर निकालते हो ना तो आपको अपने अपर लिप्स टाइट रखने, इससे आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। और गाइज यहाँ पे मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ इसीलिए वजह से आपको लग रहा होगा, अब मैं पूरे अपने अपर लिप्स के हेयर निकाल के लेती हूँ फिर आपको दिखा देती हूँ। और हाँ गाइज अगर मुझे पेन होता तो मेरे आँख में से पानी आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल भी पेनलेस है। ट्रस्ट मी गाइज आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, आप इस मेथड को ज़रूर ज़रूर फॉलो करना। सो गाइज आपने देख ही लिया मैंने किस तरह से अपने अपर लिप्स के हेयर निकाल दिए, वो भी विदाउट पेन। आप भी इसे ट्राई कर सकते हो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप एक दो बार अगर ट्राई करते हो ना गाइज थर्ड टाइम आपको ज़रूर वो हैंडल करना आ जाएगा। मैं भी जब न्यू थी मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी बिल्कुल भी नहीं जम रहा था, तब मैंने भी इसी तरह से प्रैक्टिस की और मैं आज अपने अपर लिप्स के हेयर, अपने आईब्रोज के हेयर, अपने फोरहेड के हेयर खुद से निकालती हूँ। मैं बिल्कुल भी पार्लर नहीं जाती हूँ। और गाइज आप भी अब इसे ट्राई करते हो, आप भी इस मेथड को प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको भी इजीली अपने अपर लिप्स के हेयर, अपने फोरहेड के हेयर, आईब्रोज के भी हेयर ना घर पे आप निकाल सकते हो। और ये जो मेथड है वो विदाउट पेन मेथड है। अगर आप अपने अपर लिप्स के हेयर इस तरह से निकालते हो ना गाइज आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, इस मेथड को ज़रूर फॉलो करना। और अगर आप फॉलो करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और हाँ गाइज वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।